हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में शक्तिशाली शेर रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खी का छाता था। मधुमक्खियाँ अक्सर शेर की गुफा के पास चली जाती थीं और फूलों का रस लेकर वापस अपने छाते में आ जाती थीं। शेर को मधुमक्खियों का इस प्रकार अपनी गुफा के पास आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी शेर की गुफा के पास आ गई। मधुमक्खियों की रानी आकार में साधारण मधुमक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी। मधुमक्खियों की रानी को देखकर शेर बहुत नाराज हुआ और उसने जोर से आवाज़ देकर मधुमक्खियों की रानी को बुलाया और चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग दिन भर मेरी गुफा के सामने मंडराते रहते हो, अब अगर तुम या कोई भी मधुमक्खी मुझे दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर मधुमक्खियों की रानी बोली, शेर महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो जंगल के फूलों का रस लेने आते हैं और फूलों का रस ले जाकर शहद बनाते हैं। इन फूलों पर तो सभी का हक है। मधुमक्खियों की रानी की बात सुनकर शेर और नाराज हो गया और बोला, अरे तुम तो एक छाते में रहने वाली कुछ मधुमक्खियों की रानी हो और मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। तुम जब भी आती हो तो मुझे प्रणाम किया करो, अन्यथा मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। शेर की इस तरह की बातें सुनकर मधुमक्खियों की रानी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी और अपने छाते में जाकर दूसरी मधुमक्खियों को पूरी बात बतलाई। अपनी रानी की इस बेइज्जती से सभी मधुमक्खियाँ बहुत अधिक क्रोधित हुईं और अब सभी मधुमक्खियाँ शेर से बदला लेना चाहती थीं। एक दिन जब शेर घूमते हुए मधुमक्खियों के छाते के पास से गुजर रहा था, तभी सभी मधुमक्खियाँ शेर को काटने लगीं। मधुमक्खियों के इस हमले से शेर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा, पर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियाँ अपना बदला ले रही हैं। अब वह किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर वहाँ से भागता है, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शेर भागता भागता एक नदी में कूद जाता है। शेर के नदी में कूदने की बाद ही मधुमक्खियों ने उसका पीछा छोड़ा। इस तरह शेर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और मधुमक्खियों के डर से दोबारा अपनी गुफा में नहीं आया। कहानी की सीख शेर और मधुमक्खी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन की शक्ति से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को भी हरा सकता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।